इस वक्त चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास मौजूद है तनिष्का, एक ज्वेलरी शॉप है, बड़ा शोरूम है तनिष्का, और यहाँ पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर आग बुझाने में हैं, और ये लाइव तस्वीर है, लाइव तस्वीर है, देख सकते हैं। और यहाँ पर दमकल के जो गाड़ियाँ हैं, 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये लाइव तस्वीर, फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। चेंबूर अंबेडकर गार्डन की तस्वीर है, और ये महालक्ष्मी बिल्डिंग है, यहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं। और तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पर आग लगी थी, और आग पे अभी काबू पा लिया गया है। दमकल के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, आग बुझाने में लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर धुआं दिख रहा है जलता हुआ, और पूरी तरह आग पे काबू पाया नहीं गया है। यहाँ पर एक लाइट का जो करंट का जो बोर्ड है उसे फ्यूज़ किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इसे देख के लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसलिए आग लगी होगी। चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास ये बिल्डिंग है, महालक्ष्मी बिल्डिंग, और तनिष्का शोरूम है यहाँ पे, बस स्टॉप के ठीक पीछे। और यहाँ पर आग लगी है, फायर ब्रिगेड के 5 गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौके पे हैं, आग बुझाने में लगी हुई हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं CNU चैनल के माध्यम से, चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है। तनिष्का ज्वेलरी शॉप है, ये बड़ा शोरूम है चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास, और यहाँ पर आग लगी है। अभी भी देख सकते हैं कि शोरूम के अंदर से धुआं निकल रहा है। आग पे लगभग काबू पा लिया गया है, फिर भी धुआं निकल रहा है शोरूम से, दुकान से। दमकल के कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में लगे हुए हैं। चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है, महालक्ष्मी अपार्टमेंट ये बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में ठीक नीचे ये तनिष्का शोरूम है। तकरीबन 1 घंटा पहले आग लगी थी, और आग पर अभी काबू पा लिया गया है। दमकल के कर्मचारी अभी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आग कैसे लगी है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसे इसका फ्यूज निकाला गया, इसे बंद किया गया यहाँ से लाइट, उसके बाद करंट सप्लाई बंद हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है, और फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 घंटा पहले यहाँ पर आग लगी थी, और अब आग पे काबू पा लिया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 4 गाड़ियाँ यहाँ मौके पर मौजूद है आग बुझाने के लिए।
फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो आग बुझाने के लिए पूरी तरह से सेप्टिक बेल्ट वगैरह लगा रहे हैं और उसके बाद दुकान के अंदर जाएंगे, फिर पता चलेगा कि किस तरह आग लगी है। कहीं ना कहीं जिस तरह अंगार की जो लपटें थी आग की, वो बुझा ली गई है और उसके बाद अभी अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह अंदर धुआं धुआं हो चुका है और ये पूरा बेल्ट लगा रहे हैं, पूरा तैनात होके सेफ्टी से अंदर जाएंगे और फिर पूरी तरह आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। चेंबूर आम्बेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है, तनिष्का ज्वेलरी शॉप है। CNU चैनल के माध्यम से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मुंबई के चेंबूर गोवंडी चेंबूर अंबेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी से सेफ्टी बेल्ट लगाकर अंदर दुकान के अंदर एंट्री करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आग किस कारण से लगी थी। और आप देख सकते हैं CNU चैनल के माध्यम से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां यहां पर मौके पर तैनात हैं। अभी भी जो दुकान है, जो शोरूम है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के चेंबूर आम्बेडकर गार्डन के पास की ये तस्वीर है। हालांकि इस शोरूम या दुकान के अंदर किसी को आने जाने के लिए, हर किसी के लिए मनाही है। मुंबई चेंबूर आम्बेडकर गार्डन के पास की तस्वीर है। तकरीबन 1 घंटा पहले आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कितनी तैयारी से सेफ्टी बेल्ट लगा रहे हैं पूरी तरह से, और उसके बाद फिर इस दुकान के अंदर एंट्री करेंगे, शोरूम के अंदर एंट्री करेंगे और फिर आग पे पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। न्यूज चैनल से तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो एक बैक साइड से दुकान में जाने की जो जगह है, दरवाज़ा है, वहाँ से वो एंट्री करेंगे और फिर आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश करेंगे। चेंबूर आम्बेडकर गार्डन की तस्वीर है। चेंबूर में शोरूम आम्बेडकर गार्डन के पास ये तनिष्का शोरूम है, ज्वेलरी शॉप है और यहाँ पर आग लगी है। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के वजह से कई दिनों तक ये दुकान बंद थी, उसके बाद ये दुकान आज खोला गया। और क्यों शॉर्ट सर्किट लगी, कैसे हुआ, कैसे आग लगी है, इसके ऊपर अभी मुंबई पुलिस छानबीन करेगी, पता करने की कोशिश करेगी और फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहां पर तैनात हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बार बार हम लाइव दिखा रहे हैं, चेंबूर डायमंड गार्डन के पास आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर तैनात है, मुंबई पुलिस के अधिकारी तैनात है। चेंबूर महालक्ष्मी जो बिल्डिंग है,